तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि यहाँ पर जो लेबर इंस्पेक्टर का नया पैटर्न जारी किया गया, नया पैटर्न यानी कि नया सिलेबस आपका जारी कर दिया गया। पहले क्या था आपका 2015 और 2018 में सेम सिलेबस था, जबकि अब 2023 में आपका डिफरेंट कर दिया गया, थोड़ा सा इसको डिफेशन किया गया है, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, स्किप नहीं करना है। वीडियो में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। तो सबसे पहले देखिए इसकी संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, इसकी प्रारंभिक तिथि कब है। परीक्षा जो लेबर इंस्पेक्टर का परीक्षा है आपका 18 जून को होने वाला है, ठीक है। इसका कब होगा? 18 जून को। और इसकी प्रारंभिक तिथि के बारे में बात करें तो 12 मई से प्रारंभ कर दिया गया है, ठीक है, आवेदन पत्र भरने की, जबकि इसकी अंतिम तिथि आपको मैं बता दिया था, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक हेतु पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में, पहले 2015 में आपका क्या था और 2018 में आपका पूरा सिलेबस सेम था। छत्तीसगढ़ और भारत का दोनों मिलाकर टोटल 80 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, जबकि यहाँ पर सामान्य अध्ययन में आपका टोटल 65 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक और सिलेबस इसमें ऐड किया गया है। कौन सा? श्रम विभाग संबंधी जानकारी, ठीक है। ये आपका 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये बिल्कुल अलग है, इसको नेट से या कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके लिए बुक नहीं बना है, ठीक है, इसका आप नेट से या कहीं भी से आप निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। ये 15 नंबर का प्रश्न अलग से पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें बिल्कुल 2023 में बिल्कुल डिफरेंट है इन दोनों से, ठीक है। 2015 और 18 में जो सिलेबस था वो अब 2023 में इसका पैटर्न चेंज किया गया है। तो पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो पाठ्यक्रम आपका परीक्षा की जो अवधि होगी आपको 3 घंटे का होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 150, ये 150 का प्रश्न ही पूछा जाएगा, 150 नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कल विषयवार के बारे में। तो देखिए ध्यान से समझना है ना जो बता रहा हूँ मैं। सामान्य अध्ययन आपका एक में रहेगा, 65 नंबर का रहेगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन का मतलब है इसमें दो कंबाइंड है, ठीक है। पहला आपका कौन सा रहेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और दूसरा है आपका इंडियन, ठीक है, छत्तीसगढ़ और इंडियन जीके रहेगा। तो टोटल इसमें देखिए आपका रहेगा, ये आपका टोटल 65 नंबर का प्रश्न रहेगा जिसमें दोनों कंबाइंड है, ठीक है। उसी प्रकार कंप्यूटर का आपका कितना रहेगा? 20 नंबर का। कंप्यूटर का आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। उसी प्रकार योग्यता परीक्षण का 50 नंबर। आप देखिए अब इसमें 3 कंबाइंड में बता हुआ है, जो योग्यता परीक्षण आपका पहला तो रहेगा आपको 20 नंबर गणित और रीजनिंग से, ठीक है, 20 नंबर आपका रहेगा गणित और रीजनिंग से। उसी प्रकार आपका रहेगा हिंदी, हिंदी से आपका रहेगा 10 नंबर। उसी प्रकार आपका 10 नंबर रहेगा अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी में आपका नंबर रहेगा 10 नंबर। टोटल कितना हो गया? 20 और 10 30 और 1 40 और 10 नंबर का रहेगा आपका छत्तीसगढ़ भाषा, ठीक है, छत्तीसगढ़ भाषा से। क्लियर हुआ नहीं हुआ क्या, एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है। जो योग्यता परीक्षण है आपका, ठीक है, 10 नंबर आपका गणित का रहेगा और रीजनिंग का रहेगा, ठीक है, दोनों मिक्सिंग रहेगा, सॉरी ना, ये आपका एक मिनट, ये है आपका 20 नंबर, ठीक है, 20 नंबर जो है आपका गणित और रीजनिंग दोनों कंबाइंड रहेगा, ठीक है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसी प्रकार आपका 10 नंबर रहेगा हिंदी से और 10 नंबर रहेगा अंग्रेजी से और 10 नंबर रहेगा आपका भाषा से, छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण से, यानी कि टोटल आपका 50 नंबर कंबाइन हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर श्रम विभाग यानी संबंधित जानकारी 15 नंबर, ये बिल्कुल अलग है, ये आपको बुक नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको मैं आपको डेली क्लास कराऊंगा, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा होता है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर श्रम विभाग की जो संबंधित जानकारी है इसकी पूरे सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ये सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए प्रावधान होने के एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे, याद रखना ऋणात्मक रहेगा, ठीक है, उनके लिए 0 या अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके सिलेबस की पूरी जानकारी देखिए, यहाँ पर सहायक श्रम पदाधिकारी का पहला हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में, ठीक है। तो चलिए सामान्य अध्ययन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो देखिए इस प्रश्न पत्र के 65 अंकों के कुल 65 प्रश्न होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन, ठीक है, यहाँ पर देखिए कमेंट ना करें ना, पहले एक बार समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ उसको। देखिए सामान्य अध्ययन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि व्यापम का जो सिलेबस होता है बिल्कुल सेम रहता है। अगर आप व्यापम की तैयारी किए हैं या PPSC की तैयारी किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए
सबसे पहले भारत के सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें तो इतिहास में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसी प्रकार भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था। ये क्लास आपको मैं बिल्कुल कराऊंगा कंबाइंड एंड रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाएगी, ना कि अब लाइव क्लास, ठीक है। अब लाइव क्लास नहीं लूँगा, उसमें बहुत सारे लंबा खींचा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास आपको दूंगा, समय मैं बता रहा हूँ आपको, समय है 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जाती है, मतलब बिल्कुल डेली करते जाइएगा 1 महीने की रणनीति के साथ, ठीक है। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब 18 जून को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करते जाइएगा। जो भी मैं वीडियो लाऊँगा बिल्कुल आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा सिलेबस के तौर पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी पर भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। अब देखिए सामान्य, इसके लिए आप लूसेंट का बुक तैयार कर लीजिएगा, उसी को भारतीय दर्शन कलम साहित्य मैं आपको क्लास करा दूंगा। समसामयिक घटनाएं के लिए भी पर्यावरण आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पर्यावरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, अब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान वगैरह पूछा जाता है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जलवायु है, भौतिक है, जनगणना है, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र है, छत्तीसगढ़ का साहित्य, नृत्य कला, संगीत, जनउलभ, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, ये सब, छत्तीसगढ़ के जनजाति विशेष परंपराएँ, तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ के आर्थिक वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज व्यवस्था आप मेन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ उद्योग वगैरह, ये सबसे ज़्यादा उद्योग से प्रश्न पूछे जाते हैं, खनिज संसाधन थे। और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर आप लोग एक बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर में आपको 20 नंबर पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पर कंबाइंडेड है कंप्यूटर की जो सामान्य ज्ञान है, 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका सिलेबस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया, जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। चलिए इसके बाद 20 नंबर का कंप्यूटर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर योग्यता परीक्षण में आपको बताया था ना, ध्यान से समझिएगा योग्यता परीक्षण को। इस प्रश्न पत्र में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, कितने 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर का, जिसमें संचार कौशल पारस्परिक है, ये सब जो बताया गया है, इसमें हिंदी 10 नंबर है, इंग्लिश 10 नंबर है, छत्तीसगढ़ी भाषा 10 नंबर है, और टोटल 20 में मिलाकर यानी कि गणित और रीजनिंग है, ठीक है, बस इतना ही है ये सब। ये 10वीं पेज दिया रहता है लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये 10वीं पेज दिया रहता है, ये इतना नहीं पूछता। 10वीं पेज में जो एग्ज़ाम में आता है वही पढ़ना है आपको। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यही है, नया पैटर्न है ना, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। तो देखिए जो श्रम विभाग संबंधी जानकारी है आपका, है ना, इस प्रश्न पत्र भाग में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह नया पैटर्न है, इसको अभी जोड़ा गया है, ठीक है, नया पैटर्न को जोड़ा गया है। तो देखिए पहला श्रम विधियों का इतिहास, आपको इसका बुक नहीं मिलेगा, इसका मैं डेली कंबाइंड क्लास कराऊंगा, अगर आप करना चाहते हैं तो, है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तो नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप क्या करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लो, है ना, अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो भाई, वरना आपको कहीं कहीं पर बिल्कुल आपको पैसा देना पड़ेगा आपको, है ना, कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपको YouTube पर, हमारे YouTube पर बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है ना। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मैं आपको फ्री क्लास करा रहा हूँ, तो इसीलिए एक निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री है, मैं आपको रिटर्न आपको कराऊंगा, ठीक है, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड दूंगा आपको बिल्कुल फ्री, जो जो क्वेश्चन आएंगे वही। तो श्रम विभाग के लिए दिया गया था, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, ये भी आपको मैं बताऊंगा, कंबाइंड एंड महिला बच्चों प्रबंधक श्रमिक हेतु कानून, श्रमिकों के मजदूर संबंधी कानून, विशेषता क्या याद रखना है, वेतन भुगतान अधिनियम एवं वेतन का अधिनियम, ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य का श्रमिक हित के लिए संचालित योजनाएं, महत्वपूर्ण है आपका 15 नंबर, सबसे ये जो पैटर्न है न्यू पैटर्न है,
ये अभी आपको देखने को मिलेगा 2023 में, जबकि 2015 और 18 में बिल्कुल नहीं था, है ना, बिल्कुल अलग है। ये जो है अभी ऐड किया गया है 15 नंबर श्रम विभाग संबंधी, क्योंकि जो श्रम विभाग है आपका इसी से रिलेटिव एग्जाम होगा ना। श्रम विभाग का मतलब होता है लेबर इंस्पेक्टर का, ठीक है। कितने पदों पर भर्ती आई है? 34 पदों पर। अगर आप तैयारी ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं वही बता रहा हूँ आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, ठीक है। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। देखिए सबसे पहली बात यही है कि जो लाइव क्लास होती है आपको बहुत लंबा खींचा जाता है, ठीक है। उसमें आपको देखिए, अगर मैं एक घंटा आपको लाइव क्लास ले भी लेता हूँ तो उसमें पैटर्न चेंज नहीं है, लेकिन देखिए सेम सिलेबस बताऊँगा लेकिन लंबा खींचा जाएगा समय, इससे आपका देरी भी होगी, रिवाइज नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास वहीं से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड क्लास अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। रिवाइज करूंगा आपको टेस्ट के रूप में, बिल्कुल टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा 50-50 का, है ना, आप तैयारी कर दीजिएगा। साथ ही आने वाली भर्ती बहुत सारी है, बहुत सारी भर्ती निकलने वाली है अभी छत्तीसगढ़ में। देखिए जैसे कि हॉस्टल वाला निकलने वाला है, उसी पर एडीओ का निकलने वाला है, एबीओ का भी निकलने वाला है, एबीओ उसी पर एडीओ है ना, एडीओ एबीओ हॉस्टल वार्डन है, उसी प्रकार अमीन पटवारी है, उसी प्रकार आपका लाइनमैन है, ठीक है, लाइनमैन, ठीक है, लाइनमैन है, उसी पर अब पटवारी का भी पोस्ट आने वाला है ना। हॉस्टल वार्डन का 500 पद है नी, एडीओ के 400 पद, उसी प्रकार एबीओ का निकलने वाला अमीन पटवारी का भी 400 के आसपास आएगा, लाइनमैन का भी उसी प्रकार है, पटवारी का बहुत सारी वैकेंसी भी आने को बाकी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं वही बता रहा हूँ, चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लो, जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा ना नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, है ना। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई